फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो भी मैं पूजा कर ली और आज ना यहाँ पे पूजा भी है और पंडित जी आएंगे। बाकी दादी माँ का बरसी है तो कुछ साधुओं को और गांव के लोगों को खाना खिलाएंगे, तो उसके लिए बाहर मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ नहा के रेडी और बाहर ना अभी घर के लोगों के लिए खाना बन रहा है, उसके बाद पूजा स्टार्ट होगा। फिर सब लोगों के लिए शाम में पूजा वूजा ख़त्म हो जाएगी तब सब खाएंगे। तो और लोग जो गांव के मेरे जितने भी गांव में लोग हैं वो लोग खाएंगे और कुछ साधु सब खाएंगे। तो ये दिखाते हैं, सबके लिए खाना। तो आज ऊपर खाना नहीं बनेगी क्योंकि अभी ना जी वहाँ मैं जब बाहर दिखाई वो सारे घर के लोगों के लिए और घर में जो गेस्ट आए हैं उन सबके लिए खाना बन रहा है। बाकी उसके बाद चढ़ेगा, फिर पूजा स्टार्ट होगी, फिर अभी से बनेगी क्योंकि बहुत सारा चीज़ बनेगा और 600-700 लोग खाना खाएंगे मेरे गाँव में जितने भी है सबके लिए, क्योंकि दादी माँ का ये 5वां बरसी है तो सबको खाना खिला रहे हैं और कुछ साधु सभी पंडित जी सब खाएंगे खाना, तो उन लोग के लिए अलग से बनेगा। धूप ना बहुत जल्दी निकल जाती है, सो गर्मी बहुत लगने लगती है, इसलिए मैं सवेरे नहा ली। बाकी घर में कोई भी काम हो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बाकी मेरे रिलेशन में जितने भी गेस्ट लोग हैं ना सब लोग आ रहे हैं, तो बहुत लोग अफवाह सब आ गई है और लोग आने वाले हैं। तो और मैं अपनी संध्या से मिलाती हूँ, मेरी एक छोटी बहन है संध्या। हाय फ्रेंड, देखिए तो संध्या बहुत अच्छा डांस करती है, इसका डांस भी दिखाएंगे। जब से आई है डांस ही कर रही है बस। क्या संध्या, डांस पसंद है करना? हाँ, मेरे को पसंद है। तो दिखाओगे डांस करके सबको? हाँ, तो संध्या डांस करके सबको दिखाएगी। मुझे और संध्या को भूख लग गया तो सोचे चाय, सबको चाय दे दी और हम लोग भी यहाँ पे चाय बिस्किट लेकर के बैठ गए हैं। तो हम लोग को ना कप में चाय पीना मुझे खास करके नहीं पसंद है, तो हम यहाँ लिए हैं इस कटोरे में चाय और बिस्किट के साथ खाएंगे। हमें चाय, मैं चाय कभी पीती नहीं हूँ और यह है मेरी गोल्ड बिस्किट जिसके साथ मैं चाय को चाय में डुबो डुबो के खाने वाली हूँ। और संध्या भी खा रही है, मैं भी खा रही हूँ। क्या संध्या, चाय बिस्किट ऐसे खाना पसंद है? अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे चाय नहीं पीती हूँ तो बिस्किट है, इसलिए चाय में डुबा डुबा के खाती हूँ। इतना गाड़ी चलता है मेरा पर्दा भी उड़ जाता है। तुम्हारा गाड़ी से पर्दा उड़ जाता है। अपना अपना चाय लिया है, साथ में बिस्किट भी रख लिया। तो हम लोग तो चाय पी लिए, फिर से चाय बनाने के लिए आ गए हैं। तो उसके लिए हम दूध लेकर के आए हैं 1 लीटर, तो इस पूरे दूध का भी चाय बन जाएगा। और चाय बनाने से पहले हम ठंडा लेकर के भी आ गए, इतना सब बचने दिया, ये लोग सारा पी गया तो हम अभी इसको पूरा पी जाएंगे। राजेश भाई को भी देंगे, तुमको भी देंगे, टेंशन मत लो। देगा ये भी है, मेरे पास एक मोबाइल भी है। तब ये पिएगा, हम तो पी गए, संध्या नहीं पिएगी, पी लो। ये तो मुंह लगा, खत्म कर दो आप। पी लो सारा, पी लो। तो पी रही है यहाँ पे संध्या, खत्म कर दे पूरे 2 लीटर को। आज फिर नहीं, गर्मी ही इतना है ना, खाली ठंडे पीने का मन करता है। ये दूध तो अभी बन रही है यहाँ चाय, उसके बाद सबको जाएंगे नीचे। खाना तो नीचे बन रही है लेकिन चाय ना ऊपर ही बन रही है। तो जितने लोग आते हैं उतना चाय, तो मैं सोची पूरे 1 लीटर दूध का बना देती हूँ। बाकी सुबह से बहुत बार चाय बन गई है। सलोनी और संध्या को देखिए, सब्जी कोड़ू है। तो तीखा लग रहा है, खाओ। तो यह मैं बना रही हूँ जीरा का पाउडर,
उसके लिए भुना हुआ जीरा को मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। तो पहले मार्केट से जीरा ला करके फिर उसे नीचे में वो जो खाना बना रहे हैं वो ही उसको गर्म कर दिए, फिर मैं यहाँ पीस रही हूँ। पाउडर बना है इतना सारा और इसको हम लेकर के नीचे जा रहे हैं देने के लिए। तो जब ज़्यादा पाउडर की ज़रूरत रहता है तो मार्केट से खरीदते हैं, जीरा खरीद दीजिए इसे घूम करके और फिर इसका पाउडर हम इसमें ग्राइंड करके बना दिए हैं। तो नीचे लेकर जाते हैं इसको। यहाँ दादी माँ के नाम से पिंड पड़ा है तो यहाँ भगवान जी की पूजा स्टार्ट होगी। तो पिंड पड़ गया था उधर, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर पूजा स्टार्ट हुई। तो यहाँ पंडित जी बैठे हैं और पापा आ रहे हैं, तो पापा बैठेंगे पूजा पे। फिर पंडित जी जो जो सामान बोले थे वो सामान यहाँ पे ला दिए थे, तो इतना ही सामान बोले थे पंडित जी पूजा के लिए ज़रूरी है। और ये हम लोग के गोसाई घर है, वहाँ ये सब चढ़ता है और ये भगवान जी के पास चढ़ाए थे प्रसाद। यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी बन रही है जिसमें कि बिना लहसुन प्याज के, तो इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा है, तो बिना लहसुन प्याज वाला यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ बन रही है। और इधर चाय बन रही है तो नीचे में जो सबके लिए बना है 600-700 लोगों के लिए बना है उसमें ना लहसुन प्याज पड़ गया है। और इतना जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उन सबके लिए ये बन रहा है। यहाँ फुआ सब मम्मी सब बैठ के बातें कर रही है, तो सबका अपना टॉपिक चल रहा था तो इसलिए बीच में मैं नहीं बोली, लेकिन कल जब सब फ्री हो जाएगी फिर मिलवाएंगे अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं।